धर्म की बेड़ियों में जकड़े जो भीष्म और धृतराष्ट्र बैठे हैं, जो बात हिंदू राष्ट्र की करते हैं, ये कान खोल करके सुन ले। लंका रावण की भी जली थी, संसद ये सत्ता में बैठे चोर जो ने इनके साथ होगी ये। आज जो फैसला होगा भारत के इतिहास में, वो फैसला होगा कि इज्जत पे आंच नहीं सहेगी। किसान और जवान और मजदूर ये देश चलाता है। कौन बोल रहा है कि सरकार देश चला रही है? सरकार में इतने घोटाले, अभी देखो 288 लोग मारे गए वहाँ ट्रेन में। कई बात के कवच के ऐसी तैसी मराई जा रही जी। बताइए क्या लगता है कितनी महत्वपूर्ण होने वाली आज की खाप पंचायत? आज की खाप पंचायत जो कि मुरनाना जिले पानीपत यहाँ पे पहलवानों के समर्थन के लिए की गई है, ये ऐतिहासिक आज का संकल्प ले लिया है उन सब ने और हमने कि भाई इज्जत पर बात आ चुकी है। इज्जत के पीछे रामायण और महाभारत का युद्ध, ऐसे ही पानीपत के ऐतिहासिक इस धरती पर जो हम आज आ खड़े हुए हैं, अत्याचार सर से पार हो चुका है। ये सरकार कान खोल करके सुन ले कि अब तक बात खून और पसीने की थी और आज इज्जत तक पहुंच गई कि कुछ धर्म की बेड़ियों में जकड़े जो भीष्म और धृतराष्ट्र बैठे हैं, जो बात हिंदू राष्ट्र की करते हैं, ये कान खोल करके सुन ले कि लंका रावण की भी जली थी। कि लंका रावण की भी जली थी, उसके साथ भी बहुत बहुत बड़े महाबली थे, परंतु एक सच्चाई के सामने उसकी लंका जला के राख कर दी थी। आज भारत के प्रमुख दल बजरंग दल, आरएसएस, जो इतने बड़े बड़े राष्ट्रीय करणी सेना अध्यक्ष वगैरह वगैरह, वो देश के हिंदुत्व की बात करते हैं, संस्कृति की बात करते हैं, कहाँ सोए हुए हैं। आज हिंदुत्व की बात नहीं होती, आज इज्जत की बात है। अरे हिंदू राष्ट्र पहले है या इज्जत पहले है? अपने सर की पगड़ी को इन्होंने उछालने की जो ताकत लगाई है, ये तानाशाही जो सरकार है वगैरह वगैरह जो ये चल रहा है ना देश में, मैं यही कहूँगा कि कान खोल करके सुन ले सरकार, आज तक अपने देश की धरती को पसीने से सींचते आए हैं, अब वक्त आ चुका है कि खून से भी सींच देंगे। और अब बात आ गई है इज्जत पे, का कलेजा खींच देंगे। ये बात सभी यहाँ पे जयंत चौधरी और सतपाल मलिक, पूर्व गवर्नर कश्मीर, और जी भीम आर्मी संस्थापक चंद्रशेखर आजाद, सभी समाज के लोग यहाँ खिलाड़ियों के साथ समर्थन करने के लिए आए हैं। हमारा भरोसा था सुप्रीम कोर्ट पे, अभी भी है कहीं ना कहीं, और भारत सरकार पे था, परंतु अब नहीं रहा है। जो पहलवानों के साथ जो कुत्ता खिचड़ी हुई है ना इसमें, इन संसद ये सत्ता में बैठे चोर जो ने इनके साथ होगी ये। और आज जो फैसला होगा भारत के इतिहास में, वो फैसला होगा कि इज्जत पे आंच नहीं सहेगी। इज्जत के पीछे लंका फूंक दी थी महाबली हनुमान ने, बस इतनी गरिमत है कि अभी सोए हुए हैं, जिस दिन जाग गए उस दिन अर्जुन के तीरों से वो गुरु बच नहीं पाएगा जो अधर्म के पाले में खड़ा है। कान खोल करके सुन लेना है बात सरकार, और हम यही बात बोलेंगे कि जब तक सोए हुए हैं, जब तक प्यार से मान जाए सरकार, वरना खून ते कोई पता ना मरने की। हम तो जान हथेली पे धरे बैठे हैं मेरे भाई, हमारे ही देश वहाँ बॉर्डर पे खड़े हैं हमारे ही देश के सैनिक, और ये हम जो किसान, ये जो चौधरी चरण सिंह साहब जो हमारी और सब किसान यूनियन चढ़ूनी और जितने भी भारत के किसान हैं, वो सब किसान इस पट्टे तले नीचे काम कर रहे हैं मेरे भाई। और इस देश के लिए किसान और जवान और मजदूर ये देश चलाता है। कौन बोल रहा है कि सरकार देश चला रही है? सरकार में इतने घोटाले, अभी देखो 288 लोग मारे गए वहाँ ट्रेन में। कई बात के कवच के ऐसी तैसी मराई जा रही है।